आई हर कसा ते रंग नाच फरमाई। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे पसमानदा सूबा है। बलूचिस्तान की कुल आबादी 1,23,00,000 जबकि सूबे की शराय खवानदगी महज 30% है। कम शराय खवानदगी की वजह से सूबे की ज़्यादातर आबादी टेक्निकी और पनी तर्ज रोज़गार से महरूम है। ऐसे में एक कारोबार ऐसा है जिसने ना सिर्फ बलूचिस्तान की आवाम की दुख को दर्द और पसमानदगी का मदावा किया हुआ है बल्कि 50% से ज़्यादा आबादी ने इस कारोबार को अपना ज़रिया माश बनाया हुआ है। ये कारोबार है ईरान से मुतासिल बॉर्डर से गैर दस्तावेजी तेल और दीगर अशिया कुर्दनोश की अंदरूने बलूचिस्तान दरामद। अंदाजन 1,00,000 के करीब तेल बरदार गाड़ियां ईरान बॉर्डर पर कारोबार से जुड़ी हुई हैं जिससे ना सिर्फ कसीर आमदनी मुयसर होती है बल्कि बलूचिस्तान खुसूसन ज़िला खेज पंजगुर गवादर अवारान वाशोक बिसीमा और दीगर अजला का ज़रिया माश इसी कारोबार पर ही निसार करती है। इन अजला में सिर्फ ईरानी तेल और ईरानी अशिया कुर्दनोश की सामान की खरीदो फरोख्त होती रहती है जबकि पाकिस्तानी अशिया की तादाद इंतहाई कम है। आज तकरीबन हर 10 से 8 घराने किसी न किसी तरीके से ईरान बॉर्डर के कारोबार से जुड़े हुए हैं और शाहराओं पर ज्यादातर तादाद ईरान से माल बरदार जम्बात गाड़ियां ही नजर आती हैं। इन सब के बावजूद ये अमर हकीकी है कि ईरान से जुड़ा हुआ कारोबार गैर दस्तावेजी है और हुकूमत पाकिस्तान इससे कोई बराए रास्त टैक्स वसूल नहीं कर पा रहा। हालांकि सिक्योरिटी इदारे अपने चेक पोस्टों के जरिए माल बरदार गाड़ियों से अच्छी खासी रकम वसूल करते हैं। इन मसाइल की वजह से ये कारोबार अक्सर व बेशतर बंदिशों का शिकार रहा है जिससे मकामी लोग जो इस कारोबार से जुड़े हुए हैं उनको शदीद मुआशी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। यहाँ ज़रूरत इस अमर की है कि हुकूमत पाकिस्तान बलूचिस्तान के पसमानदा अवाम की मुआशी मसाइल को मद्देनज़र रखते हुए ईरान बॉर्डर से जुड़े कारोबार को दस्तावेजी शक्ल दे और मखसूस टैक्स नापिस करके कारोबार की आज़ादाना इजाज़त दे। वगरना खदशा है कि अगर इस कारोबार को बंद किया गया तो पूरा सूबा माशी तौर पर दिवालिया होगा। सब पर शुमे तले जुमला की मेहरबानी।